30 साल के उम्र के बाद सेक्स लाइफ, लैंगिक जीवन के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति ने महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला महाराष्ट्र में प्रैक्टिस कर रहा हूं। 30 साल मेरा मतलब 30 साल के आगे कोई भी कुछ भी उम्र हो, वो उम्र का सेक्स लाइफ कैसा होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसा वैसा सेक्स लाइफ अलग अलग मोड़ पे आते रहता है। जो सेक्स लाइफ 20 के उम्र में है वो सेक्स लाइफ 40 की उम्र में, 50 की उम्र में रह नहीं सकता है। क्या होता है कि 30 साल के बाद में स्पेशली शादी को एक दो साल हुए रहते हैं, आदमी नौकरी में लग जाता है या उसका खुद का बिजनेस चालू कर रहा है या फिर अनएम्प्लॉयड है। शादी हो के एक दो साल हुए, शादी के पहला साल तो अच्छा रहता है, मजा मस्ती, और बाद में फिर शादी पुरानी हो जाती है, बासी हो जाती है एक साल के बाद में। तो फिर सेक्स लाइफ कैसा होता है? एक तो क्या होता है कि दिमाग में जितना ज़्यादा टेंशन उतना ज़्यादा कम सेक्स की इच्छा, डिज़ायर कम होती है, तो लो सेक्सुअल डिज़ायर होती है। फिर उसमें इच्छा ही नहीं है या दिमाग में बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, इसके वजह से फिर आदमी टालते रहता है या फिर हफ्ते में एक बार या दो बार ही करेगा। कभी कभी कुछ फाइनेंशियल लॉस है या कोई किसी की डेथ हो चुकी है तो फिर सैडनेस है, उदासीनता है। फिर पार्टनर की डिज़ायर, एक आधा बच्चा हुआ है तो फिर क्या होता है कि पत्नी को बच्चा छोटा है फिर रात को तकलीफ देता है, फिर उसकी इच्छा नहीं रहती है। बच्चे के आगे पीछे साल, दो साल का बच्चा है, उसके आगे पीछे टाइम दे दो और फिर उसकी इच्छा भी कम होते जाती है। फिर हो सकता है कि उस समय पेन है, दर्द हो रहा है, सेक्स के समय कोई भी कारण से पार्टनर को दर्द हो रहा है या पति को दर्द हो रहा है तो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, मतलब लिंग में कठोरता नहीं आना, टाइटनेस नहीं आना या कम होना, जितना चाहिए उतना नहीं होना। प्री मैचुर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन हो जाता है तो एक प्रॉब्लम हो सकता है बढ़ती उम्र के साथ में, और शीघ्र पतन के अनेक कारण है। स्टेमिना कम हो जाता है बेड पर, स्टेमिना मतलब ताकत, एनर्जी जितने चाहिए उतनी पूर्ति नहीं है। हो सकता है कि वो थकान हो जा, मतलब आ जाती है, थकान है बहुत ज़्यादा या थकान महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा, दिन भर में काम है, रात को बहुत थकान आ गई है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि जिसके वजह से सेक्स लाइफ जो है वो हैम्पर हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ में फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, शारीरिक व्याधियाँ वो हो सकती है, जैसा फिटनेस नहीं है, एक्सरसाइज रेगुलर नहीं है तो फिटनेस नहीं है, वजन बढ़ा हुआ है। फिर कुछ दवाइयाँ चालू है जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, फिर खांसी जुकाम की दवाइयाँ, एंटी हिस्टामिनिक्स है तो उससे सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम होता है। एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी साइकोटिक या एसिड ब्लॉकिंग ड्रग्स, ये जो दवाइयाँ हैं ये दवाइयाँ सेक्स की इच्छा है या सेक्स कमज़ोर कर देती है। उम्र के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होती रहती है। कुछ नर्व डैमेज बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया, अपघात हो गया और कुछ नर्व डैमेज पीछे की हो चुकी है और इससे भी तकलीफ हो जाती है। हार्ट डिसीज़ है, दिल की बीमारी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसकी दवाइयाँ चालू है। डायबिटीज़ मेलाइटस सबसे बड़ा दुश्मन सेक्स का, डायबिटीज़ मेलाइटस है मतलब शुगर की बीमारी है। फिर प्रोस्टेट बढ़ते जाता है उम्र के हिसाब से, प्रोस्टेट तो वो जो ग्रंथि है अंदर, प्रोस्टेट नाम की जो ग्रंथि रहती है जो पेशाब के थैली के पास में रहती है, वो यदि बढ़ गई तो उससे प्रॉब्लम आता है। आयन मतलब लोहा और झिंक यदि बॉडी में कम है तो उसका बुरा इफेक्ट सेक्स के ऊपर होता है। और फिर क्रॉनिक पेन, दर्द बॉडी में हो रहा है, जैसे जोड़ों में दर्द है और उसके वजह से फिर प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो ज़्यादा उम्र है 50-55 साल की तो डिमेंशिया हुआ है, मतलब भुलक्कड़पन की बीमारी है, डिमेंशिया है, भेजा छोटा हो जाता है। और उसमें होता क्या है कि सेक्स तो बढ़ जाता है मगर इनअप्रोप्रिएट सेक्स होता है, व्यक्ति कहीं भी हाथ लगा देगा, किसको भी घर में हाथ लगा देगा, कोई भी स्त्री है उसको हाथ लगा के अप्रोच करेगा, मतलब एक वो प्रॉब्लम हो चले जाता है। 50-55 साल के बाद में हो सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर है या और कोई कैंसर की बीमारी है और उसकी दवाई चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ के हो सकते हैं कि जिसके वजह से सेक्स लाइक इफेक्ट होता है। बढ़ती उम्र में कुछ तो अच्छी भी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ कौन सी है कि समझो बढ़ती उम्र है 55-60 की उम्र है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब तो हो सकता है कि अभी ज़्यादा समय मिल रहा है, प्राइवेसी मिल रही है, ज़्यादा समय मिल रहा है। यदि आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, तो वो एक हो सकता है वो फ़ायदे का, प्राइवेसी ज़्यादा मिल जाती है।
और बढ़ती उम्र में प्रेगनेंसी का डर रहता नहीं है, तो सेक्स भी आराम से रिलैक्स अवस्था में हो सकता है। मगर ये उम्र में इमोशन के प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं, स्पेशली 40-50 की उम्र में इमोशंस के प्रॉब्लम है। और इमोशन के प्रॉब्लम जो है, मतलब डिप्रेशन कॉमनली हो सकता है। आज तो डिप्रेशन का इतने इफेक्ट हो चुका है कि करीब करीब 5 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, स्ट्रेस है और तनाव है अलग अलग प्रकार के, जिसके वजह से भी सेक्स लाइफ इफेक्ट होता है। उम्र के हिसाब से क्या सेक्स की इच्छा कम होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। जो स्टडीज है, सर्वेस किए गए, उसके हिसाब से 60 और 69 साल 60-69 ईयर्स जो एज ग्रुप है, उसमें 85% लोगों ने ऐसा बोला है कि दे आर सेक्सुअली एक्टिव। और 70-79 ईयर्स ये जो ग्रुप है, इसमें 60% लोगों ने ऐसा बोला है कि उनको सेक्स डिजायर होती है और सेक्सुअली एक्टिव है। और 80 साल के ऊपर के जो लोग हैं, उसमें से 32% लोग 32% लोगों ने बोला है कि उनको सेक्स की इच्छा होती है और वो सेक्सुअली एक्टिव भी है। एक सर्वे और किया गया, उसमें 2577 पुरुष और 3195 स्त्री महिलाएं 50 साल के ऊपर, उनका सर्वे किया गया और उनको पूछा गया। और जब उनको पूछा गया तो उन्हें बताया कि भाई ये उम्र, मतलब 50 साल की उम्र में भी, उसके उम्र, ये उम्र के बाद में भी काफ़ी लोग सेक्सुअली एक्टिव है। अराउंड 60-70% लोगों ने बोला कि हम सेक्सुअली अभी भी एक्टिव है। 2017 का एक स्टडी है मिचिगन यूनिवर्सिटी का, उसमें 40% लोग 65 और 80 ईयर्स के जो थे, उन्होंने बोला कि दे आर सेक्सुअली एक्टिव। इसका मतलब ऐसा है कि लोग जो बोलते हैं कि नहीं, अभी तो क्या हमारी उम्र हो चुकी है, अभी तो क्या सेक्स अच्छा लगता है क्या, अभी पोता पोती आ गए, नात नातिन आ गए, उनके सामने क्या सेक्स करना है क्या, मतलब इतने बड़े होने के बाद में, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की सेक्सुअल डिजायर होती रहती है और लोग सेक्स में इंटरेस्टेड होते रहते हैं। वयस्क जो लोग थे, जो स्टडीज़ है इसमें, जो वयस्क लोग थे उनके ऊपर जो स्टडीज़ की गई है, तो यहाँ ये पाया गया है कि जो सेक्सुअली इनएक्टिव थे या लो सेक्सुअल डिज़ायर थे, डिज़ायर थी जिनको, उनको कैंसर होने के, प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस ज़्यादा थे, या फिर क्रॉनिक इलनेसेस, अदर क्रॉनिक इलनेसेस, मतलब जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर कैंसर, ये बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा थे यदि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहे तो। उनको हेल्थ के प्रॉब्लम भी ज़्यादा आ गए। इसका ही मतलब ये है कि जो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, जो सेक्स लाइफ एंजॉय करते रहते हैं, उनको बाकी प्रॉब्लम्स कम आते हैं। जो लोग सेक्स लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो है, मतलब ब्रेन अच्छा काम करता है, उनका लक्ष्य एकाग्र होता है, भुलक्कड़पन की बीमारी जो है उनको कम है, मतलब याददाश्त उनकी अच्छी रहती है, और मेंटली और फिजिकली दे आर मोर फिट, ज़्यादा फिजिकल और मेंटली ज़्यादा फिट है ऐसा पाया गया है। एक्चुअली 1 मिनट में 4 कैलोरीज बर्न होती है सेक्स में, 1 मिनट में 4 कैलोरीज। फिर ये हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कैलोरीज बर्न भी होती है, और सेक्स इज़ ए गुड फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो, मतलब अच्छी फिजिकल एक्टिविटी भी सेक्स की होती रहती है। तो फिर बढ़ती उम्र में जब सेक्स करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है? एक तो क्या है कि बढ़ती उम्र में कभी कभी इनकॉन्टिनेंस की बीमारी होती है, मतलब कभी कभी पेशाब ऑटोमेटिकली निकल जाता है बढ़ती उम्र के साथ में, तो उसका चांस कम हो जाता है यदि सेक्स आप करते हैं तो। नींद अच्छी आती रहती है, ऐसा बोला जाता है कि बढ़ती उम्र में यदि सेक्स आप करते हो तो इट्स ए गुड सेडेटिव, बहुत अच्छी नींद आती है आपको। प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है यदि आप सेक्स करते हैं तो। स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि 40 और 50 साल ये बीच में लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 से वीक सेक्स करते हैं, मगर 20 और 30 साल की उम्र में ये स्टडीज में पाया गया है कि लोग अप्रॉक्सीमेटली 2x in a week, मतलब हफ्ते में 2 बार सेक्स करते रहते हैं। शादी के, अर्थात शादी के एक पहला साल जो रहता है, उसमें हो सकता है कि एक ही रात में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करने वाले भी लोग हैं, और वो डिपेंड्स कि आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कैसा है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ टिप्स, कि टिप्स क्या है यदि आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस ठीक नहीं तो। तो नंबर 1, टॉक विथ योर पार्टनर, आप आपके पार्टनर के साथ में बातचीत करो सीधी कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा इरेक्शन का प्रॉब्लम है या जल्दी गिर जाने का प्रॉब्लम है, मैं सेक्स कर नहीं पाता हूँ, और इसमें आपकी हेल्प चाहिए, तो उसके साथ में बातचीत करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको पार्टनर ही नहीं है, मतलब डेथ हो चुकी है पार्टनर की,
अब आपको रोमांटिक पार्टनर चाहिए तो आप पार्टनर कभी मतलब डेटिंग कर सकते हैं, रिलेशनशिप में आ सकते हैं। पर अभी इसमें होता क्या है कि बच्चे बड़े रहते हैं और वो लाइक नहीं करते कि अपने पिताजी ने या अपने माँ ने अभी ये उम्र में पार्टनर ढूंढने का है, उनको लाइक नहीं करते। एक्चुअली उनके साथ में भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया और अभी वो बड़ा होने के बाद में वो खुद ही आपको भी अपोज कर रहे कि नहीं अभी आपने सेक्स एंजॉय नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। तो उनको भी आपको उनके साथ में भी बातचीत करने पड़ेंगे कि अभी पार्टनर नहीं है, डेथ हो चुकी है, तो अभी हो सकता है कि डेटिंग करना है, पार्टनरशिप में जाना है, रिलेशनशिप में जाना है, शादी करना है दोबारा, तो वो भी उसके लिए भी बात करनी पड़ेगी। पार्टनर है तो पार्टनर के साथ में बात करो। दूसरा है कि नहीं आप आपके डॉक्टरों को विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर को विजिट करना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर देख लेगा। हो सकता है कि सेक्स प्रॉब्लम आ गया और आपने कभी टेस्ट नहीं किया है, आपका फैमिली डॉक्टर बोलेंगे आप टेस्ट करो और आपको डायबिटीज़ निकल जाएगा या आपको कोई कैंसर की बीमारी निकल जाएगी, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो डॉक्टर को विजिट करो। उसे नहीं होता है तो सेक्स थेरेपिस्ट को विजिट करो और सेक्स थेरेपी लेना चालू करो। नंबर चार, एक्सपांड डेफिनेशन ऑफ सेक्स। सेक्स मतलब योनि में लिंग का प्रवेश करना, वही सेक्स नहीं है। सेक्स मतलब हगिंग, किसिंग, एम्ब्रेसिंग, झप्पी मारना, साथ साथ बैठना, बातें करना, साथ साथ सोना, किसिंग करना, हगिंग करना, ये सब सेक्स में आता है, और फोर प्ले और आफ्टर प्ले भी आता है। तो ये सब डेफिनेशन सेक्स की है, वो सब उसका मतलब इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरकोर्स करना है। क्योंकि क्या होता है कि इरेक्शन को टाइम लगता है बढ़ती उम्र से, और जब इरेक्शन को टाइम लगता है मैनिपुलेशन करना पड़ता है, कभी कभी मसाज करना पड़ेगा, फोर प्ले ज़्यादा करना पड़ेगा, और ज़्यादा फोर प्ले करने से फिर इरेक्शन आ जाएगा, टाइटनेस बाद में आ जाएगा। तो फिर इसलिए फोर प्ले ज़्यादा करो, और वो फोर प्ले मतलब भी सेक्स है, ऐसा नहीं कि वो सेक्स नहीं है, और आपकी डेफिनेशन बढ़ाना चाहिए। आपका रूटीन चेंज करो। हो सकता है कि सुबह सुबह आप अच्छा सेक्स कर पाओगे। सुबह क्या होता है कि नींद से उठने के बाद में टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है, फ्रेशनेस लगता है, थकान बिल्कुल ही नहीं है, तो आप सुबह कर सकते हैं। आप घर में जगह बदल सकते हैं, बेड चेंज कर सकते हैं, सेक्स करने की जगह बदल सकते हैं। हो सकता है थोड़ा रोमांटिक हो के आप कहीं होटल बुक कर सकते हैं, अपने सालगिरह में शादी के या बर्थडे पे होटल में जाके वहाँ जाके एक दो दिन मुक्काम करके सेक्स कर सकते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। नए नए पोजिशंस आप सेक्स की ट्राई कर सकते हैं और रोमांटिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में हंसी मजाक करो, साथ में ज़्यादा टाइम बिताओ, और जितना ज़्यादा टाइम साथ में बिताएंगे उतना ज़्यादा सेक्स लाइफ आपका अच्छा होता है। रोमांस कभी गिव अप नहीं करना है, रोमांटिक हरदम रहना है, और नई रिलेशनशिप में कितना भी ये आ गया प्रॉब्लम तभी भी नए रिलेशनशिप में जाना है। ये उम्र में भी कंडोम का इस्तेमाल करना जरूरी है। प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है तभी भी, क्योंकि क्या है कि इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है। क्या होता है कि सामने वाले पार्टनर को हो सकता है कोई इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन से आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए कंडोम का इस्तेमाल करना जरूरी है। और रोज रूटीनली ये उम्र में आप पेनिस जो है मतलब लिंग जो है वो साफ करते हैं, पेशाब की जगह और लैट्रिन की जगह दोनों भी स्नान करने के समय दोनों भी साफ करना, हल्का सोप लुकवार्म वाटर उसे साफ करना बहुत ही जरूरी है। अब इसके अलावा हेल्दी डाइट, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स का हेल्दी डाइट, कम से कम फैट कार्बोहाइड्रेट्स कम, ये होना जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, आप 5-6 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं। शराब और तंबाकू, ये बहुत घातक है, ये दुश्मन है सेक्स के, उनको भी बंद करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग करना जरूरी है, ग्रेटिट्यूड से रहना जरूरी है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव हरदम की जो भी है एक्सेस में है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ग्रेटिट्यूड में आप रहते तो उसमें सेक्स लाइफ में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। 2 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। पानी जितना ज़्यादा पीते हो, हाइड्रेटेड रहते हो, तो हाइड्रेशन और हाइड्रेशन थेरेपी जो है सेक्स के लिए बहुत अच्छी है। एक्चुअली देखा जाए तो 7 से 8 घंटा नींद, हो सकता है कि 50, 55, 60 साल के बाद में नींद कम हो जाती है, मगर नींद यदि आपकी अच्छी रहे तो उसका अच्छा प्रभाव फ़ायदा सेक्स के ऊपर होता है। हॉबीज़ डेवलप करो, कुछ ना कुछ अपना मन गुंथना चाहिए, उसमें अच्छा लगता है, वैसे हॉबीज़ आप डेवलप करते तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक और एक स्टडी आपको बताता हूँ, उसमें उन्होंने ऐसा बताया है कि 40% एडल्ट जो है, 40% एडल्ट बिटवीन द एज ऑफ 60 to 80 देवर सेक्शुअली एक्टिव एंड दे वॉन्टेड सेक्स, 60 से 70 साल के में 40% लोग, और 54% लोगों ने ये बोला, 54% लोगों ने ये बोला 60-80 साल की उम्र में कि सेक्स लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। तो लोग उसमें डेफिनेटली
एक्टिव रहते हैं और उनको अच्छा लगता है। तो ये हमको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं नहीं अभी क्या हमारी उम्र है क्या, अभी क्या नात नातिन आई हुई है, अभी ग्रैंड पेरेंट्स हैं बन गए हैं, अभी अच्छा नहीं है। फिर क्या होता है कि छोटा घर है तो अपना बेटा बेटी, मतलब बेटा और बहू, उनको दी जाती है रूम और ये दोनों अलग अलग सोते हैं। दूसरा ये होता है कि ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, मतलब पोता पोती नात नातिन, वो आपके पास में आके सो रहे हैं क्योंकि उनको प्राइवेसी है, उनके माँ बाप को, मतलब आपके बेटे और बहू को चाहिए प्राइवेसी, इसलिए वो बच्चे उनके आपके पास में सुलाते हैं लाके, तो उसमें आपको प्राइवेसी नहीं मिलती है। तो उसके लिए भी आपको कहाँ से प्राइवेसी निकालना है, मकान बड़ा करना है, बाहर कहीं जाना है, तो ये जरूरी है। डेफिनेटली सेक्स लाइफ इज इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग सेक्स पार्टनर इज द बेस्ट सेक्स टॉनिक। मगर अभी सब कुछ करने के बाद में भी यदि आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं अभी कुछ तो भी दवाई लेने की जरूरत है, तो डेफिनेटली सिल्डेनाफिल 50 से 100 मिलीग्राम, टाडालाफिल 10 से 20 मिलीग्राम, ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। हर्बल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्री मैच इजैकुलेशन के लिए आप एनेस्थेटिक स्प्रेस, मलम, ये उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जल्दी गिर जाता है उसमें SSRI मेडिसिन है, बेंजोडाइजेपिन है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी तकलीफ रही तो आप डेफिनेटली हमें संपर्क कर सकते हैं, हमने नीचे नंबर दिए हुए, उसके बाद आप कॉल करो और ये दवाइयाँ भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यदि कम है तो बाहर से हम टैबलेट या इंजेक्शन के रूप में वो दे सकते हैं। अल्टीमेटली क्या है, सेक्स अच्छा रहा और सेक्स लाइफ आप एंजॉय कर रहे हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन्स जो है वो अच्छे सीक्रेट होते हैं। ऑक्सीटोसिन एंडोर्फिन्स का सिक्रेशन काफ़ी अच्छा प्रमाण में होता है, डोपामिन सेरोटोनिन वो भी अच्छे प्रमाण में सिक्रेट होते हैं और उससे आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ते रहता है। तो ये आज से आपने बात टाल देने का है, बोलने का नहीं है कि बढ़ती उम्र है अभी सेक्स अच्छा नहीं दिखता, सेक्स करना ठीक नहीं है, ये डायलॉग आज से बंद करना है। थैंक यू वेरी मच।